नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीमलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धम्बोला में रात को तेज बारिश के दौरान धम्बोला हनुमान मंदिर के पीछे रमेश चंद्र के मकान की छत पर बिजली गिरने से हुआ भारी नुकसान। मकान की छत पर 2-3 जगह छेद हो गए, वे पंखे, लाइट, फ्रिज वगैरह सभी जल गए। गनीमत रही कि पक्का मकान होने से जनहानि नहीं हुई। परिवार ने डर के माहौल में बिताई पूरी रात। वहीं धम्बोला में बिजली गिरने से 132 केवी जीएसएस से आ रही 33 केवी लाइन के 12 विद्युत पोल पर लगे इंसुलेटर भी हुए क्षतिग्रस्त, जिससे जीएसएस से जुड़ा समस्त क्षेत्र में अंधेरा छाया। फिलहाल सुबह से ही विद्युत विभाग द्वारा सुधार कार्य शुरू कर दिया गया। मकान दुबने लगा, उसी कारण मकान के अंदर थोड़े ईंटे और गट्टी वगैरह गिरने लगी। उस कारण मैंने अंदर जाके देखा तो उसमें बिजली पूरी गिरने से छेद हो गया। छेद होने से तीन प्रकार की बिजली वहाँ पर गिरी, तीन छेद हुए, जिससे थोड़ी देर बाद पंखे के अंदर आग लगी, जैसे कि पंखा शॉर्ट हो गया। उसमें मैं गया वापस तो फ्रिज में देखा तो फ्रिज भी जल गई। इस कारण उसका नुकसान हुआ। फिर बीवी बच्चे अंदर घर के अंदर बैठे थे, उसी कारण सबको संभालने लगा। उसके करीबन 5-10 मिनट बाद वापस बाहर जाके कमर खोल के मैं बैठा और घर वालों को फोन किया। उसी कारण मैंने अपनी बच्चों और सबकी जान बचाई और बहुत नुकसान हुआ उसे घर के अंदर।